पटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं एमपी तक। ग्वालियर के आरटीआई एक्टिविस्ट और व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी का आरोप है कि उन्हें किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, जबकि पुलिस ने आशीष के सुरक्षा कर्मी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। झांसी रोड थाना क्षेत्र के रविशंकर हॉस्टल के नज़दीक कुछ लोगों से आशीष का विवाद हो गया। इसमें आशीष का आरोप है कि विवाद के बाद उन लोगों ने आशीष को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पुलिस ने आशीष के सुरक्षाकर्मी की शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है जो आरोपियों की बताई जा रही है। उनके गनमैन की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज का झगड़ा के संबंध में FIR दर्ज की गई है, जिसमें टीपू पालू तथा 2 अन्य व्यक्तियों के नाम से FIR दर्ज की गई। क्या बताया, क्या जरूरत? इसमें वो आशीष चतुर्वेदी वहाँ गए हुए थे रविशंकर हॉस्टल के पीछे, तो उनके साथ में गर्मी था, तो इन लोगों से विवाद हो गया। विवाद फिर बढ़ के वो झगड़े में बदल गया, उसी पर रात को उनकी गर्मी द्वारा रिपोर्ट की। अभी क्या कार्रवाई की गई? इसमें एक गाड़ी जब्त कर ली गई है और शीघ्र दूसरी गाड़ी भी बरामद कर ली जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। आपको बता दें कि आशीष अपने सुरक्षाकर्मी के साथ रविशंकर मेडिकल हॉस्टल गया था और इसी दौरान उसका कुछ लोगों से गाड़ी को लेकर विवाद हो गया। इस झगड़े में आशीष का कहना है कि उसे कार सवार लड़कों ने धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। आशीष ने अपने सुरक्षाकर्मी पर भी आरोप लगाया था कि सुरक्षाकर्मी ने समय पर आरोपियों का विरोध नहीं किया था, लेकिन आशीष के सुरक्षाकर्मी की शिकायत करने पर ही झांसी रोड पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के नाम दीपू कालू और अभिषेक सहित रोहित गुर्जर बताए हैं और सभी बताए जा रहे हैं कि भास बेंद्रा गांव के रहने वाले हैं। आपको यहां पर बता दें कि आशीष चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की RTI एक्टिविस्ट है, साथ ही व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर भी हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।